नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 और 22 जनवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 20 जनवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। अश्लेषा नक्षत्र और सौभाग्य नाम का ये दिन शुभ योग रहेगा। वही दोस्तों, राहुकाल का समय दिन दोपहर के 1:58 से लेकर शाम के 3:19 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इन दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इन दिन शुक्रवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, मघा नाम का नक्षत्र और दोस्तों शोभन नाम का इस दिन शुभ योग रहेगा। राहुकाल के समय दिन सुबह के 11:17 से लेकर दोपहर के 12:38 रहेगा और चंद्रमा इन दिन सिंह राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें तो दोस्तों आखिरी दिन शनिवार का दिन होगा। चतुर्थी तिथि, पूर्व फाल्गुनी नाम का नक्षत्र और दोस्तों इस दिन अति गंड नाम का शुभ योग रहेगा। वही दोस्तों, इन दिन राहुकाल का समय सुबह के 9:56 से लेकर सुबह के 11:17 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा जो है इस दिन सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, ये जो समय है आपको कई तरह की परिस्थितियों में दूसरों के सामने जो है निर्णय लेने की क्षमता देगा, जिससे आप किसी भी निर्णय को बिना संकोच से ले पाएंगे। यदि आप नौकरी के अलावा कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे तो दोस्तों ये जो समय है उस ओर आपका जो है सफलता आपको मिल सकता है, उस ओर आप अपने जो है कदम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये जो दिन है आपको सफलता मिलने का दिन रहेगा। वही दोस्तों, यश में आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपकी जो है मेलजोल बनाए रखने का आप प्रयास करें। सबका विश्वास जीतकर एक दूसरे का सहयोग की भावना रखते हुए अपने घर के विकास में लग जाएं। दोस्तों, ये जो समय है इससे दोस्तों आपके घर परिवार में अच्छी सामंजस्य बन सकेगा तथा घर परिवार का जो है विकास हो सकेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में आपका ध्यान जो है बिजनेस में या फिर परिचितों को दिया गया उधार पैसा वसूलने पर हो सकता है। दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए पुराने धन की वापसी के संकेत दे रहा है। कोई पुराना अटका काम भी यश में आपको हो सकता है, यश में वो काम पूरा हो सकता है। अपनी जो है गतिशीलता आप यश में बनाए रखें। किसी भी स्थिति में ये जो समय है आप अपने लोगों से बहस बिल्कुल ना करें या फिर आपके सहकर्मी हैं उनसे भी आप यश में बिल्कुल ना झगड़ें, इनसे आप परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों, ये आपको अनचाहा तनाव भी देगा। वही दोस्तों, ये जो समय है इन समय कुल मिलाकर आप कोई भी अव्यवहारिक योजना है बिल्कुल ना बनाएं। इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है नौकरी में तनाव आपकी तरक्की के लिए एक सकारात्मक होगा। दोस्तों, ये समय आप जमीनी और सकारात्मक रहें। दोस्तों, इन दिनों में ये जो दिन है आपके लिए निवेश करने की सोच, अगर आप इन दिनों में सोच रहे हैं या फिर पहले से निवेश करने की सोच रहे थे तो दोस्तों आपके लिए ये जो दिन है बहुत अच्छा साबित होगा। यश में आप निवेश कर सकते हैं लेकिन उचित सलाह के बाद ये आप कार्य करें। किसी भी जो है किसी पर यश में आप जल्दी भरोसा बिल्कुल ना करें, इनसे बचें, नहीं तो आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। वही दोस्तों, इन दिनों में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से ये जो समय है आपके लिए जो है अनोखा उपहार मिल सकता है आपको। अगर आपकी आवाज़ सुरीली है तो दोस्तों कोई गाना गाकर आप अपने प्रेमी को यश में खुश कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में कुछ मित्रों या फिर प्रेमी जनों से आपकी बहस भी हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों आप इन बातों का ध्यान रखें, किसी मित्रों से आप बहस करने से बचें। अगर आपके मित्र आपसे बहस करना चाहते हैं तो भी आप यश में अपने वाणी पर संयम बना कर रखें तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा।
वही दोस्तों इन दिनों में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपको किसी पुरानी बीमारी से परेशान हो सकते हैं, इनका संकेत यश में गणेश जी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों यश में किसी प्रकार का कष्ट होने से दवा के साथ साथ दुआ लेना भी बिल्कुल ना भूलें। अपने बड़ों का या फिर बड़े बुजुर्गों का ये जो समय होगा इसमें आप उन्हें चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। वही दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। दोस्तों इन दिनों में आपके मूड में जो है बारंबार परिवर्तन आने के कारण मन में जो है अनिश्चितता का भावना रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों यश में आप अव्यवस्था अनुभव करेंगे। दोस्तों यश में परिवार सदस्यों के साथ आप बातचीत करके और आवश्यक लगे तो विशेषज्ञों की सलाह लेकर बेचैनी कम कर सकेंगे। स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखने की यश में गणेश जी आपको सलाह देते हैं। वह दोस्तों यश में आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें यानी धन को लेकर, तो दोस्तों गणेश जी देखते हैं कि ये जो समय है गैर जरूरी कामों में आपका समय आप गंवा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाए। गणेश जी का यह सुझाव है कि आप काम पर एकाग्रता निश्चित रूप से आपके दिन को और आपके आने वाले दिन को भी सफल और उपयोगी बना सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में आप प्रियजन के सानिध्य में क्वालिटी टाइम बिताकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं। आप अपने प्रियजन को उपहार देकर अपने रिश्तों को भी और गहरा बनाएंगे। वही दोस्तों इन दिनों में एक जो रोमांटिक शाम होगा आप दोनों को एक दूसरे के बीच करीब लाएगा, दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो समय होगा आर्थिक मोर्चे पर दोस्तों आप थोड़ा सावधान रहेंगे। हालांकि दोस्तों यश में किसी तत्काल आवश्यकता के लिए आप बहुत ज़्यादा भुगतान भी कर सकते हैं। कुछ भी खरीदने से पहले गणेश जी आपको बाजार की जांच पड़ताल करने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों इन दिनों में आपको चुनौतीपूर्ण दिन आपके लिए साबित हो सकता है, लेकिन यदि आप तत्काल परिणाम की उम्मीद करते हैं तो दोस्तों आपको निराशा के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि अपने जो आप पूरी कोशिश करेंगे पर ग्रहों की स्थिति जो है सहायक नहीं है, बस अच्छा काम जारी रखें, आने वाला समय आपके लिए बेहतर जरूर होगा। वही दोस्तों इन दिनों में दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। अतिरिक्त धन को लेकर यश में रियल इस्टेट में निवेश किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज भी हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। दोस्तों ये जो समय है विवाह हेतर प्रेम संबंध आपकी जो है प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। आपकी कार्य क्षेत्र में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम के तरीकों पर आप गौर करने की आपको ज़रूरत होगी, नहीं तो दोस्तों आपकी जो बॉस की नज़रों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है, आप उनसे नाराज़ हो सकते हैं। दोस्तों यश में अगर आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझते हैं तो ऐसा करने से आपके मूड तो खराब होगा ही, साथ ही दोस्तों ये जो है आपकी कीमती समय को भी बर्बाद करेगा। आपके जीवन साथी की सुस्ती आपके कई कामों पर पानी फेर सकती है। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें यदि आपको माइग्रेन या फिर आधा सर दर्द होता है तो यश में आपको ये उपायों को करना चाहिए। दोस्तों सुबह सूरज उगने के समय एक गुड़ का डला लेकर किसी चौराहे पर जाकर दक्षिण की ओर मुंह मोड़ के खड़े हो जाएं। गुड़ को अपने दांतों से जो है आधा हिस्सा काट दीजिए। गुड़ के दोनों हिस्सों को वहीं चौराहे पर फेंक दें, वापस आ जाएं और यह उपाय आप मंगलवार से शुरू करें तथा 5 मंगलवार लगातार करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि यह उपाय करते समय किसी से भी बात न करें और न ही कोई आपको पुकारे, न ही आपसे बात करे, अवश्य ही आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ज़रूर इन उपायों को करें और साथ ही और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।